हर हर महादेव दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाऊंगी पोहे की रेसिपी। क्विक एंड इजी रेसिपी है, आप देख सकते हैं क्या है। तो ऊपर फ्राई पैन रख दिया है और ऑयल गर्म करने के लिए हम रख देंगे। ऑयल गर्म हो रहा है, हम तब तक अनियन काट लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है एंड ये राई। राई के साथ प्याज और मिर्ची को डाल दें। बहुत इजी रेसिपी है, आप सब बना सकते हो। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम आलू को काट लेते हैं। भर कट चुके हैं, अब जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो हमने आलू डाल देना है। ब्रोकली डाल देनी है, अगर आपके पास ब्रोकली नहीं है तो आप गोभी भी डाल सकते हैं। ब्रोकली और मटर मिक्स कर लेना अच्छे से। अब हल्दी डालनी है, नमक, फ्लेम को मीडियम करके देन हमने इसे ढक के पका लेना है। ये पोहा है, इसे जस्ट पानी में से निकालना है हमने, इसे पानी में भिगो के नहीं रखना।
तो ये भीग चुका है, बस इतना ही इसको भिगोना है, नहीं तो ये ज़्यादा सौगी हो जाएगा। सब्जियाँ पक चुकी है, अब हमने पोहा डाल देना है इसमें। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है, सुबह जिसके पास टाइम ना भी हो तो ये 15-20 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो जैसे कि सब्जियाँ पक चुकी हैं, जैसे इसको आलू पक चुके हैं, इसमें ऑयल भी कम है और ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं है। तो पोहा को इसमें डालना है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसके इंग्रेडिएंट ऐसे नहीं है, नमक और हल्दी ही डलनी बस। जितने सिंपल होगी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। जैसे कि पोहा बन के रेडी है, अगर आपके पास पीनट्स है तो आप पीनट्स भी डाल सकते हो, नहीं तो आप इसके ऊपर आलू भुजिया भी डाल सकते हो। ये बन के रेडी है।